इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आसाम में हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार का मॉडल आया है और एक सक्सेसफुल मॉडल है। देखिए, थॉमस माल्थस ये बहुत बड़े जनसंख्या विषयों के विशेषज्ञ रहे हैं। इन्होंने लगभग 200 साल पहले ये कह दिया था कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हमारे संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये संतुलन कैसे बनाना, भविष्य की पीढ़ी के लिए अपने दायित्व को महसूस करना कि सारा का सारा साधन हम भोग लें और भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ छोड़े ही ना, तो इसमें किसी प्रकार की राजनीति अगर कोई लोग देख रहा है तो ये बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ वैक्सीन को लेकर भेदभाव न हो, यह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, अभी हम लोगों ने कल ही देखा है कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल मिला है, तो वैक्सीन के नाम पे एक नया डिस्क्रिमिनेशन या अन्याय न होने लगे ये सुनिश्चित करना भारत का दायित्व है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल ग्लोबल पावर होने के नाते भारत ने लगातार ये सुनिश्चित किया गया है कि विश्व में समरसता और समानता का वातावरण बने और वैक्सीन के नाम पे ये इनइक्वालिटी या असमानता ना आए, ये सुनिश्चित करना हमारा प्रमुख काम है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन केंद्रों पर भीड़ को देखते हुए सरकार ने आगाह किया है कि वायरस को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक चिंताजनक विषय है और एक्सपर्ट्स के साथ साथ डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि भाई तीसरी लहर की आशंका है। सरकार अपने स्तर पे तो युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन का काम कर रही है, सबसे तेज गति के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। मास्क का, पीपीई किट का, ऑक्सीजन का भी रैंप अप कैसे हो, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक लेके सुनिश्चित भी किया है। लेकिन मैं भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत कठिन नहीं है, घर से निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं तो कम से कम एक मास्क पहन लें और शारीरिक दूरी का पालन करें, तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग इस महामारी से निपट सकते हैं। सरकार के स्तर पे जो काम होना चाहिए वो सरकारें कर रही हैं। मैं देख रहा था 35 करोड़ से अधिक का वैक्सीनेशन हो चुका है और इस साल के अंत तक, जैसा कि भारत सरकार ने संकल्प लिया था कि 100 करोड़ से अधिक भारतवासियों को वैक्सीनेशन लग जाएगा, तो उस गति में तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन समाज के नाते, एक सभ्य समाज के नाते, हमारा भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और इस महामारी से जल्द निपटें। राकेश टिकैत द्वारा कृषि बिल के लेकर के बोला गया था कि हम लोग यूएन जाएंगे, इस पर उनकी सफाई है और उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में नए कृषि बिलों का मुद्दा उठाएंगे। हमने 26 जनवरी की घटना पर एक प्रश्न का उत्तर दिया था, क्या यहाँ कोई एजेंसी है जो निष्पक्ष जांच कर सकती है? यदि नहीं तो क्या हमें इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहिए? अगर केंद्र कृषि कानूनों पर चर्चा चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैं तो इसको आंदोलन नहीं मानता हूँ, स्पष्ट सी बात है। आंदोलन एक पवित्र शब्द होता है, आंदोलन में अनुशासन होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि इस विरोध के स्थल पे एक नृशंस हत्या हो गई, महिलाओं के साथ लगभग डेली बेसिस पे बदतमीजी होती है और जब से ये विरोध शुरू हुआ है तरह तरह की शिकायतें हम लोगों के सामने आ रही है। कभी टोल नाका तोड़ दिया जाता है, कभी फ़ोन का टावर तोड़ दिया जाता है, सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ दिया जाता है, तो ये तो नागरिकों का, टैक्स पेयर का पैसा है। मुझे लगता है इस प्रकार का व्यवहार करना एक सक्रिय लोकतंत्र में उचित नहीं है। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि भाई कानून में काला क्या है, अब इन तीन कानूनों से लाभ किसको हो रहा है हमें ये समझने की आवश्यकता है। आखिरकार क्या कारण है कि पूरे भारत में कहीं विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ हरियाणा के कुछ जिले, पंजाब के कुछ जिलों में ये विरोध हो रहा है? तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भाई 86% जो हमारे किसान भाई हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो 86% हमारे बहुसंख्यक किसान हैं वो 1 हेक्टेयर या उससे कम भूमि में किसानी करते हैं। यदि उन किसान भाइयों को, उन किसान बहनों को विकल्प दिया जा रहा है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि 1 लाख करोड़ का है उससे मंडियों को और सशक्त किया जा रहा है,
एमएसपी में पिछले साल 7 वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कृषि का जो बजट है उसमें 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना हो, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन योजना हो, इससे हम लोग पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति, जो कि हमारा अंत्योदय का नारा है, छोटे किसान, कम भूमि वाले किसान, भूमिहीन किसान, उनको सशक्त कैसे करें, इस पे हम लोगों ने लगातार काम किया है। और जो हमारे भाई वहाँ विरोध में बैठे हैं, सरकार ने परिपक्वता का परिचय देते हुए लगभग 12 दौर की बातचीत की है, 50 घंटों से अधिक की चर्चा चली है। सरकार का जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने भी बात की है। अब कानून में आपको किस प्रावधान से दिक्कत है? सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि क्लॉज बाय क्लॉज, प्रावधान दर प्रावधान आप लोग चर्चा करिए और बताइए कानून में कहां किस प्रावधान से आपको दिक्कत है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हमारी मांगे पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो, लोकतंत्र इससे नहीं चलता है, माफ करिएगा। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, और ये दाम सुनिश्चित कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए कभी इस विरोध में पश्चिम बंगाल के चुनाव आ जाते हैं, कभी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम इनको हराएंगे। तो शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित, शुद्ध रूप से अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से प्रेरित, ना कोई नीति, ना कोई नेता, और नियत क्या थी हम लोगों ने 26 जनवरी को देख लिया था। देश में पहले भी ऐसे विरोध हुए हैं, ऐसे आंदोलन हुए हैं, एक स्पष्ट नीति हुआ करती थी, एक स्पष्ट नेतृत्व हुआ करता था। चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन में आंदोलन हुआ था, लेकिन ये तो बड़ा विचित्र आंदोलन है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई इस प्रकार सार्वजनिक संपत्तियों का नाश ना करें, सरकार का, मीडिया का समय भी बर्बाद ना करें, साथ आइए, बात करें, सहयोग से, समन्वय से एक समाधान पे निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।